ऑल द अमेजिंग थिंग्स आउट देयर, हमारा भारत देश अपने फैमिली बॉन्ड के लिए जाना जाता है। हम इंडियन फैमिलीज साथ में खाना खाते हैं, साथ में त्यौहार मनाते हैं, साथ में शॉपिंग करते हैं, साथ में बाहर घूमने जाते हैं, एक्सेट्रा। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब आपका परिवार लाखों का टैक्स बचाने में आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ, तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं एक छोटे से फैमिली के एग्जाम्पल से कि कैसे आपके मम्मी पापा, आपके स्पाउस, साथ ही आपके बच्चे आपकी मदद कर सकते हैं कि किस तरह आप अपना टैक्स बचा सकें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो को हम तीन भाग में बांट देते हैं और सबसे पहले भाग में हम ये समझेंगे कि कैसे आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा, सीनियर पेरेंट्स आपकी मदद कर सकते हैं कि आप टैक्स बचाएं। दूसरे पार्ट में हम ये समझेंगे कि कैसे आपके स्पाउस, आपकी वाइफ हो सकती है या फिर आपके हस्बैंड, वो आपकी कैसे मदद कर सकते हैं टैक्स बचत में। और साथ ही लास्ट कैटेगरी में हम ये समझेंगे कि कैसे आपके बच्चे आपकी मदद कर सकते हैं टैक्स बचाने में। तो ये सब हम समझेंगे इस छोटी सी फैमिली के एग्जाम्पल से। अब मिलिए मिस्टर मेहता से। मिस्टर मेहता, मिसेस मेहता, उनके पेरेंट्स और उनके बच्चे, अब इनके फैमिली के एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कितना ज्यादा टैक्स ये बचाते हैं अपनी फैमिली की मदद से। तो सबसे पहला कैटेगरी यहाँ पे ले लेते हैं और अब मिलिए मिस्टर मेहता और उनके पेरेंट्स से। अब ये समझते हैं कि मिस्टर मेहता किन रास्तों से, किन वे से अपना टैक्स बचाते हैं अपनी सीनियर पेरेंट्स की मदद से। तो सबसे पहला उनका जरिया है, मोड है, वो है बाय बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस। जी हाँ, आज अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आपको पता होगा कि ऑन इन वन फाइनेंशियल ईयर अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हैं तो आप 25,000 तक का टैक्स क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमम डिडक्शन आपको यहां पर मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, साथ ही अपने इंडिपेंडेंट बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हैं तब आपके लिए मैक्सिमम डिडक्शन है 50,000 रुपीज का। वहीं अगर आप मिस्टर मेहता जैसे थोड़े स्मार्ट हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपने पेरेंट्स की मदद से आप एक्स्ट्रा 25,000 एक्स्ट्रा टैक्स बचा सकते हैं। वो कैसे? वैसे कि अगर आप अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए यानी कि अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए, साथ ही इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए और साथ ही अपने सीनियर पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं तब आप एक साल में 75,000 तक का मैक्सिमम टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यानी कि इस प्रीमियम पेमेंट पे आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो इससे आप एक मेजर चंक सेव कर सकते हैं एंड यू डोंट हैव टू पे टैक्स ऑन दिस। साथ ही मिस्टर मेहता अपने पेरेंट्स का मेडिकल चेकअप भी कराते हैं, हेल्थ चेकअप, और उस एक्सपेंसेस पर भी ये एक साल में 50,000 रुपए का टैक्स बचा लेते हैं। तो ऑन एन एवरेज मिस्टर मेहता अपने फैमिली से अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं तो उनकी फैमिली उनको 1,00,000 या उससे ज्यादा का टैक्स बचाने में उनकी मदद करती है। अब दूसरा वे थ्रू विच मिस्टर मेहता सेव्स टैक्स बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स इज बाय पेइंग और क्लेमिंग HRA। अब यहाँ पर आपको पता होगा अगर आप एक वर्किंग इंडिविजुअल है तब आप HRA भी क्लेम कर सकते हैं। तो मिस्टर मेहता ये काम भी करते हैं कि आज ये एक अपने घर पे रहते हैं, यानी कि इनका एक खुद का ही मकान है, लेकिन ये अपने पेरेंट्स को रेंट पे करते हैं और उसके जरिए ये अपना HRA क्लेम करते हैं। अब ये थोड़ा सुनने में थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगता होगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि आज अगर आपके पेरेंट्स घर ओन करते हैं यानी कि उसका उनका खुद का मकान है तो हर महीने आप उनसे रेंट रिसिप्ट ले सकते हैं और उनको रेंट पे कर सकते हैं। जैसे ही आप ये काम करते हैं वैसे ही आप अपना HRA क्लेम कर सकते हैं। वो दिखा सकते हैं कि आप इतना अमाउंट XYZ अमाउंट हर महीने एज रेंट पे करते होंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कैच भी है और कैच ये है कि अगर मिस्टर मेहता हर महीने रेंट पे करते हैं अपने पेरेंट्स को, यानी कि इनके पेरेंट्स को रेंटल इनकम का प्रूफ भी देना होगा और रेंटल इनकम पे आप सबको पता है टैक्स भी लगता है। तो ऐसे में हम कहाँ से टैक्स बचा रहे हैं? अगर इनके पेरेंट्स इनसे रेंट लेते हैं तो दे कैन डिडक्ट प्रॉपर्टी टैक्सेस और साथ ही ये 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। अर्थात ये कि अगर आपके पेरेंट्स सुपर सीनियर हैं या फिर सीनियर सिटीजन्स हैं और साथ ही उनका इनकम टैक्सेबल लिमिट से अंदर है तो उनको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा और साथ ही ये स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। तो दिस इज अ प्लस प्लस अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और आपका ओन प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे मेन पॉइंट ये भी है कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनके नाम पर ही ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यू शुड नॉट बी द को ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। साथ ही यहाँ पे मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, वो ये कि अगर ये सीनियर सिटीजन्स, आपके अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स हैं और उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो मिनिमम इनकम एग्जेम्पशन मिलता है 3,00,000 रुपए का। और वहीं अगर वो 80 साल से ज्यादा हैं तो मिनिमम इनकम एग्जेम्पशन है
5,00,000 रुपए का, तो ये आप क्लेम कर सकते हैं। अब तीसरा वे थ्रू विच मिस्टर मेहता एंड हिज पेरेंट्स सेव टैक्स टुगेदर इज बाय ट्रांसफरिंग मनी टू पेरेंट्स। अब मिस्टर मेहता ये भी करते हैं कि वो हर महीने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट डीड दे देते हैं, और अब आपको पता होगा कि अगर आप गिफ्ट डीड देते हैं तो आप एक हद तक, एक अमाउंट तक अपना टैक्स बचा सकते हैं। वहीं अगर हम सीनियर सिटीजन्स की यहाँ पे बात करें तो एग्जेम्पशन, जो टैक्स एग्जेम्पशन दी गई है वो 3,00,000 रुपए की है। वहीं अगर वो 80 इयर्स से ज्यादा हैं तब यहाँ पर टैक्स एग्जेम्पशन, बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया है 5,00,000 रुपए का। तो अगर आप 3,00,000 और 5,00,000 का गिफ्ट डीड करते हैं अपने पेरेंट्स को, ट्रांसफर करते हैं उनको पैसे, तो इस पर आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर आज आप अपने सीनियर पेरेंट्स के नाम पर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आज आप एफडी कराते हैं उनके नाम पर, तब भी आपको इस पे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर एक साल में आपने एफडी कराई है और एक साल में इनकी जो इंटरेस्ट इनकम है आपके पेरेंट्स की, वो अगर 50,000 रुपए तक का है तब आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। वहीं अगर इंटरेस्ट जो इनकम है वो 50,000 से ज़्यादा चला जाता है एक साल में, तब जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने इंटरेस्ट कमाया है उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं सेकेंड कैटेगरी को। अब मिलिए मिस्टर मेहता और मिसेस मेहता से। अब मिसेस मेहता और मिस्टर मेहता साथ में कैसे टैक्स बचाते हैं वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है बाय अप्लाइंग फॉर जॉइंट होम लोन। आज अगर आप अपना घर खरीदने का सोच रहे हैं और अगर आपकी वाइफ है आपके साथ में या फिर आपके हस्बैंड है, तो आप जॉइंट होम लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा जरूर, या फिर एटलीस्ट कंसिडर फॉर अप्लाइंग फॉर अ जॉइंट होम लोन। क्यों? क्योंकि अगर आप जॉइंट होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है ऑन टैक्स सेविंग्स। अब वो कैसे होता है, अब मान लेते हैं मिस्टर मेहता और मिसेस मेहता ने एक जॉइंट होम लोन लिया है और अब इनको अंडर सेक्शन 80C साथ ही अंडर सेक्शन 24 डबल टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। अब सबको पता होगा अंडर सेक्शन 80C अगर आप कोई भी पेमेंट करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन वन ईयर आपको 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम करने के लिए मिलता है, यानी कि इस पर आपको कोई टैक्स नहीं भरना होता। वहीं साथ ही इसके अलावा मिस्टर मेहता और मिसेस मेहता अंडर सेक्शन 24 2,00,000 का बजट करते हैं। अब अंडर सेक्शन 80C मैं आपको बता दूं, अगर एक हस्बैंड और वाइफ क्लेम करते हैं टैक्स बेनिफिट्स के लिए, तो 1.5 लाख क्लेम कर सकते हैं, और एक साल में वो कुल मिलाकर 3,00,000 का ऑन होम लोन प्रिंसिपल रिपेमेंट के लिए क्लेम कर सकते हैं। यानी इस जो भी अमाउंट ये पे कर रहे हैं टुवर्ड्स होम लोन रिपेमेंट, इस पर आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। इसके अलावा अंडर सेक्शन 24 मिस्टर एंड मिसेस मेहता मिलकर 2,00,000 + 2,00,000 यानी कि कुल मिलाकर 4,00,000 ये सेव करते हैं ऑन द ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द होम लोन। तो एक है प्रिंसिपल अगर आप रीपेमेंट कर रहे हैं तो उसका 3,00,000 रुपए, अंडर सेक्शन 24 4,00,000 रुपए तक का आप इंटरेस्ट पेमेंट जो भी कर रहे हैं 4,00,000 तक के लिए कोई भी टैक्स आपको नहीं भरना पड़ेगा। तो दिस इज अ वेरी मेजर बेनिफिट ऑफ अप्लाइंग फॉर अ जॉइंट होम लोन। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना होगा, वो ये कि अगर आप जॉइंट होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इट शुड बी फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंसी ओनली। अगर आप खुद का घर ले रहे हो, खुद का ही मतलब अगर वो सेल्फ ऑक्यूपेंट है यानी कि आप खुद रहने वाले हैं, उसका लोन रीपेमेंट कर रहे हैं, तभी आपको ये टैक्स बेनिफिट्स मिल सकता है। अब दूसरा वे थ्रू विच योर स्पाउस कैन हेल्प यू टैक्स इज अगर आप अपने स्पाउस के हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है और उसका लोन रीपेमेंट कर रहे हैं, तो अंडर सेक्शन 80E आप टैक्स डिडक्शंस या फिर एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। माने ये कि आज अगर आपने, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी वाइफ के हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं और उसका रीपेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तब अंडर सेक्शन 80C आपको इस रीपेमेंट पर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एजुकेशन लोन आपने लिया है और इसका इंटरेस्ट आप भर रहे हैं और अप टू एक ईयर में आप भर रहे हैं अप टू 70,000 रुपीज, तो ऐसे में जो 70,000 रुपीज है आपके टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इनकम आज 5,00,000 है, इस 5,00,000 में आप अपने स्पाउस के हायर स्टडीज के लिए लोन लिया है और उसके इंटरेस्ट रिपेमेंट पर आप 70,000 रुपए भर रहे हैं, तो आपके इस टोटल इनकम पर 5,00,000 माइनस 70,000 हो जाएगा और अब आपका टैक्सेबल इनकम होगा 4.3 लाख रुपीज का, तो अब आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अब तीसरा ऑप्शन है अगर आप जॉइंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर आज आप PPF में या फिर NSC में यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, साथ ही ELSS फंड में टैक्स सेविंग ऑप्शंस जो हैं इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो अप टू 1.5 लाख ईच ईयर आप सेव कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आते हैं अंडर सेक्शन 80C, और जितने भी टोटल प्रोडक्ट्स आते हैं अंडर सेक्शन 80C, आप सारे प्रोडक्ट का टोटल मिला के 1.5 लाख ही
सेव कर सकते हैं, उससे बियॉन्ड आप सेव नहीं कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं तीसरे कैटेगरी में, जो है हाउ योर चाइल्ड, जो आपके बच्चे हैं वो कैसे आपकी मदद कर सकते हैं टैक्स बचत में। तो यहाँ पर भी सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर आपने अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लिया है और उसका आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो सेम अंडर सेक्शन 80E आप जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस पर आप टैक्स सेव कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके बच्चे इस तरह आपकी मदद कर सकते हैं टैक्स बचाने में, वो ये जब आप अपने इंडिपेंडेंट चाइल्ड के डिसेबिलिटी या फिर किसी भी डिजीज के लिए पैसे भर रहे हैं, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस में पैसे आपके जा रहे हैं, तब आप ऐसे केसेस में, ऐसे सिचुएशन में भी टैक्स बचा सकते हैं अंडर सेक्शन 80DDB। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई इंडिपेंडेंट चाइल्ड है जिसे कोई डिजीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर उनको डायबिटीज है, कैंसर है, और उनके ट्रीटमेंट में इन वन ईयर आप 40,000 तक का एक्सपेंडिचर जा रहा है आपका, उतना स्पेंड कर रहे हैं, तो अंडर सेक्शन 80DDB आप ये टैक्स क्लेम कर सकते हैं, यानी कि इस पे आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इन केस आपके बच्चे को किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, तो इन वन ईयर आप 75,000 तक का टैक्स क्लेम कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपकी छोटी सी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी स्पाउस है, आपके बच्चे हैं, इसी तरह आप भी अपने टैक्सेस को बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ, साथ ही अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको टैक्स प्लानिंग के बारे में एक एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, आपको टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छे से समझना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अभी के अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और समझे अपने टैक्स प्लानिंग के बारे में, कितने सही तरह से आप अपने टैक्स को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई तो आ ही गया है और जल्द ही आपको अपना ITR भी फाइल करना है। तो जल्द ही डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।